किसान दिल्ली चलो यात्रा का कारवां कौशाम्बी होकर गुजरा। किसानों ने यूपी पुलिस पर उत्पीड़न का लगाया आरोप। किसान आंदोलन में ओडिशा से दिल्ली जा रहे किसानों ने कोखरा टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। किसानों ने यूपी पुलिस पर गुमराह और परेशान करने का आरोप लगाया। किसानों ने बताया कि 15 जनवरी को ओडिशा से चले हैं और पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में हमारा स्वागत किया गया, लेकिन यूपी की पुलिस हमको इधर उधर घुमा रही है और हमको परेशान कर रही है। इस दौरान किसानों ने कोखरा टोल प्लाजा पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान कानून के विरोध किसानों का विरोध पूरे देश में जारी है। उड़ीसा के किसान भी 26 जनवरी को दिल्ली पहुंच कर विरोध जताएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर नव निर्माण किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्षय कुमार व संयोजक हिमांशु तिवारी के नेतृत्व में किसानों ने उड़ीसा से किसान दिल्ली चलो यात्रा निकाली है। यह यात्रा 15 जनवरी से निकली है और उन्हें 21 जनवरी को दिल्ली पहुंचना है। कौशाम्बी की सीमा में पहुंचते ही मीडिया को देखते ही किसानों का काफिला रुका। मीडिया ने उनसे सवाल किया तो किसान नेता रणजीत ने बताया कि पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं बिहार में किसानों ने यात्रा का जगह जगह स्वागत किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही यहाँ की पुलिस ने उनका उत्पीड़न किया। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। लगभग 300 किसान 6 बस व 4 पहिया हल्के वाहन पर सवार होकर जा रहे थे। कौशाम्बी पुलिस ने किसानों को जनपद की सीमा पार कराकर फतेहपुर जिला में छोड़ दिया। हम 15 तारीख से उड़ीसा जा रहे हैं, लगभग 5 किसान आ रहे हैं, दिल्ली हम जा रहे हैं। हमको पहले पश्चिम बंगाल ने बहुत स्वागत किया, पश्चिम बंगाल किसान ने, फिर झारखंड जमशेदपुर के होके हम बिहार आए, बिहार में बहुत स्वागत हुआ। जब हम दिल्ली पहुँचे, यहाँ का पुलिस हमको घुमा रहे हैं उधर उधर, ठीक रास्ता में हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। जहाँ पर हमारा मीटिंग होना था लखनऊ में और बनारस में, वही रास्ता में हमें जाना चाहते हैं, तो यहाँ का पुलिस हमको यहाँ से जाना नहीं देता है। आज सुबह से हम निकले हैं, अब तक हम और यूपी आने में आपको पुलिस परेशान कर रही है? बिल्कुल, पुलिस हमको परेशान कर रहा है, घुमा घुमा रहे। नहीं होना था कोई भी, पुलिस पहुंचा, हम पहुंचना चाहते हैं, पुलिस पहुंचना नहीं देता है। ये आप लोग जो यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या मकसद है, क्या चाहते हैं आप लोग आगे इस यात्रा के? बीजेपी सरकार मोदी जी जो काला कानून तीन लाए है वो रद्द करे, और जो एमएफ का गारंट कानून बने, इसलिए हमें जो संयुक्त मुद्दा है उसका साथ देने के लिए हम जा रहे हैं। हमारा जो नेता है अक्षर जी, संयुक्त मुद्दा का साथ है, आदिवासी नेता है, हमें साथी बोल हम जाना चाहता है, दिल्ली का पुलिस हमको जाने नहीं देता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणजीत दलोरा है।